अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको मास्क बताऊंगी वो है स्किन ब्राइटनिंग के लिए। अगर आपका फेस का कलर जो है वो डल हो चुका है और आप उसे फेयर करना चाहती हैं तो ये मास्क परफेक्टली आपके लिए है। और जो इंग्रेडिएंट आज मैं इसमें यूज़ करूँगी वो आपके किचन में इजिली अवेलेबल होंगे, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपके फेस के कलर को लेके। मास्क बताने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं मास्क की तरफ। मास्क के लिए आपने क्या करना है, आपने हाफ कप जो है चावल ले लेने हैं। और आपने चावल क्यों यूज़ करने हैं पहले मैं आपको ये बताती हूँ। बेसिकली इसके अंदर वो तमाम इसेंशियल जो है विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। स्किन ब्राइटनिंग करता है आपका राइस वाटर जो है, बहुत अच्छे तरीके से स्किन वाइटनिंग करता है। जहाँ ही आपकी स्किन वाइटनिंग करता है ये विदाउट एनी साइड इफेक्ट, वहाँ पे साथ साथ आपके एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर देता है। उसके अलावा ये आपकी स्किन के जो है फेस के सेल होते हैं उनको हेल्थी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और आपका फेस जो है वो हमेशा हेल्थी नज़र आता है, फ्रेश नज़र आता है। क्योंकि हमारा मतलब इवन फेयर भी हो तो हमें चाहिए होता है कि हमारा फेस हेल्दी दिखे। हेल्दी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मोटा ताज़ा हो जाए, इसका मतलब ये है कि फ्रेश दिखे, ग्लोइंग दिखे हमारा फेस। और राइस वाटर जो है ये काम बहुत परफेक्ट तरीके से करता है, स्किन ब्राइटनिंग के साथ साथ आपके फेस को एवर यंग लुक प्रोवाइड करता है। अब आपने क्या करना है, आपने हाफ कप ऑफ वाटर लिया है। हाफ कप ऑफ वाटर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने हाफ कप जो है चावलों का लेना है और चावलों को आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने उसके अंदर हाफ ग्लास ऑफ वाटर ऐड करके एटलीस्ट आपने 30 मिनट्स के लिए चावलों को सो करके रखना है। यानी हाफ कप जो है वो चावलों का है और हाफ जो है गिलास जो है आपने पानी का लेना है। चलिए जी, मैं आप इसको सो करके रखती हूँ और आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। देखिए, मैंने हाफ कप ऑफ राइस में हाफ ग्लास ऑफ वाटर ऐड करके सो कर लिया है। दोनों की क्वांटिटी आपने सेम रखनी है। आप कप ले लें, ग्लास ले लें, जो मर्जी ले लें। अगर आप कप ले रही तो बेशक पानी के लिए भी आप कप यूज़ कर लें। अगर आप ग्लास यूज़ कर रही हैं राइस के लिए तो आप पानी के लिए भी ग्लास यूज़ कर सकती है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लेंगे पहले कप और ग्लास, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों की क्वांटिटी आपने सेम लेनी है, यानी जितने राइस हैं उतना ही पानी होना चाहिए और उसमें सोक करना चाहिए। ये मैंने सोक करके रख दिया है, 30 मिनट तक मैं इसे सोक करूँगी। तब तक मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। ये है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर बहुत ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है हमारे फेस की फ्रेशनेस के लिए, हमारे फेस के कलर को ब्राइट करने के लिए। बेसिकली गुलाब का अर्क होता है जो कि कदीम ज़माने से फेस की खूबसूरती के लिए यूज़ किया जाता है। लोग इवन क्या करते हैं, शावर लेते वक्त अपने बाथटब के अंदर रोज़ ऐड कर देते हैं, उसके पैटर्न ऐड करते हैं और देन शावर लेते हैं ताकि वो फ्रेश रहें और उनके जो फेस है वो ग्लो करता रहे। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कंसिडर किया जाता है, तो आपने अपनी स्किन के लिए इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपने क्या करना है, ये जो रोज़ वाटर होता है ये आपको स्किन ब्राइटनिंग के जहाँ पे इफेक्ट करेगा, साथ साथ आपके फेस को फ्रेश भी रखेगा। अब आपने क्या करना है, आपने उस पानी को, राइस वाटर को गुलाब के अर्क में ऐड करना है। 30 मिनट्स के बाद मैं आपको दोनों चीज़ें ऐड करके बताती हूँ कि आपने कैसे यूज़ करना है। वीडियो में भी आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको डिफरेंट टिप्स पता चल सकें। ये देखिए, मैंने इसके अंदर राइस वाटर के अंदर जो है मैंने रोज़ वाटर को ऐड कर लिया है। इसको मिक्स करने के बाद मैं कोई भी स्प्रे बोतल लूँगी और स्प्रे बोतल के अंदर जो है मैं इसे ऐड कर लूँगी। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने कोई भी स्प्रे बोतल लेनी है, जैसे कि मैं ये ले रही हूँ स्प्रे बोतल। आप कोई भी बोतल ले सकती हैं स्प्रे बोतल, और स्प्रे बोतल में उसके बाद जो है आप इस सारा जो है इस सॉल्यूशन जो है इस स्प्रे बोतल में आप ऐड कर लेंगी। चलिए मैं करती हूँ इसके अंदर ऐड। चलिए जी, ये देखिए मैंने स्प्रे बोतल के अंदर जो है डिज़ायर क्वांटिटी में ऐड कर लिया है। बाकी जो है मैं उसको फ्रिज में ऐसे ही रख लूँगी। आपने राइस वाटर को इस तरह से बना के रोज़ वाटर के साथ आपने इसे फ्रिज में रखना है अगर आप अपने स्किन ब्राइटनिंग के लिए यूज़ करना चाहती हैं। आप इसे 1 वीक तक ये यूज़ कर सकती हैं। 1 वीक के बाद आप न्यू बनाएंगी और न्यू यूज़ करेंगी। इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने फेस वॉश करने के बाद दिन में एटलीस्ट 5 टाइम जो है इसका स्प्रे जो है अपने फेस पे करना है। क्योंकि ये स्प्रे बोतल है तो इजी, जब आप स्प्रे करेंगे तो देखेंगे ये स्प्रे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दूर से आपने स्प्रे करना है अपने फेस के ऊपर। 4 to 5 टाइम आप अपने फेस के ऊपर स्प्रे करेंगी दिन में। हमेशा अपने फेस को वॉश करना है। फेस को वॉश किए बगैर गंदे फेस के ऊपर आप इसे अप्लाई नहीं करेंगी। और अप्लाई करने के बाद आपने ये जो बोतल है फ्रिज में रख देनी है। अप्लाई करने के बाद आपने 10 मिनट्स तक अपने फेस
को ऐसे ही छोड़ देना है। ये जो है खुद ही ऑब्जॉर्व हो जाएगा आपके फेस के अंदर और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं तो फेस को सादे पानी के साथ वॉश कर सकती हैं विदाउट सॉप यूज़ किए। अदरवाइज अगर आपके फेस के ऊपर ऑब्जॉर्व हो चुका है और आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसको लगा भी रहने दे सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये स्किन ब्राइटनिंग बहुत अच्छे तरीके से करता है। बस आपने क्या करना है, इसको डेली यूज़ करना है और डे में 4 to 5 times यूज़ करना है अपने फेस को वॉश करने के बाद। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा।